हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन फोरम यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो अपडेट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव कर्नाटक की तरफ से, जिसने दोस्तों धोबी और लैब अटेंडेंट और वार्डर जैसी रिक्रूटमेंट निकाली है। काफी बढ़िया रिक्रूटमेंट होने वाली है दोस्तों, आपको इसके लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र जो है वो फिल करके भेजना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इस रिक्रूटमेंट के बारे में, इसके एज लिमिट्स, इसकी फीस, साथ ही दोस्तों टोटल वैकेंसी सभी डिटेल्स यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी से लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे ऊपर लिखा हुआ है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव। इसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक टेबल दी गई जिसमें पोस्ट के नाम के साथ ग्रुप और साथ में नंबर ऑफ पोस्ट, कैटेगरी और क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र किया गया है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो वैकेंसी है वो वाशरमैन की है। लेवल वन का जो आपका पे स्केल रहेगा, और दोस्तों आपकी उम्र जो 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट एक निकली हुई है ईडब्ल्यूएस के लिए। और दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप 10th पास आउट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरह स्टेलर की वैकेंसी निकली है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी निकली है। दोस्तों, लैब अटेंडेंट की बात करते हैं तो जर्नल की एक वैकेंसी निकली है, आपको 10वीं पास साइंस जो है एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। इसी तरह वार्डर की भी यहाँ पर टोटल एक वैकेंसी निकली हुई है। तो दोस्तों, सभी वैकेंसीज के बारे में आप आसानी से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर दोस्तों, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डाउनलोड एप्लीकेशन लेटर करके, वहां से भी आप अपना जो एप्लीकेशन लेटर है वो डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, फीस जो 100 रुपया रहेगी और ये जो फीस है आपको डिमांड ड्राफ्ट से पे करनी होगी। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आपको डिमांड ड्राफ्ट फिल करने में दिक्कत होती है तो इसका हमने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपना जो डिमांड ड्राफ्ट आसानी से फिल कर सकते हैं। एड्रेस की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये आपका एड्रेस रहेगा, मैं आपको बोल के बता देता हूँ, प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेलगांव 59009 कर्नाटका। तो दोस्तों, इस एड्रेस पर जो है आपका एप्लीकेशन लेटर सेंड करना होगा। अगर लास्ट डेट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, मैं आपको लास्ट डेट बता देता हूँ, यानी कि जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी दोस्तों 20 मार्च 2022, यानी 20 मार्च से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाना होगा। दोस्तों, आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा वो 20 मार्च को ही एंड होगा, और साथ ही आपके जितने डॉक्यूमेंट्स है वो बिल्कुल सही होने चाहिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट आपका नहीं होना चाहिए। आपको आने जाने के लिए कोई भी टीए या पीडीए नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आपका जो एग्जाम है वो भी बेलगांव कर्नाटक में ही होगा। इसी के साथ देखिए, यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स इंपॉर्टेंट दिए गए हैं, जैसे कि लास्ट डेट के बाद अगर आपका एप्लीकेशन लेटर पहुंचता है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको बताया गया कि जो प्रिंसिपल है वो इन वैकेंसी को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। आपका जो मेन इनवेलप होगा उसके बाहर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम और साथ में अपनी कैटेगरी का नाम भी लिखना होगा। साथ ही अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों एक इनकम एंड नेचर सर्टिफिकेट जो वो भी आपको लगाना होगा। दोस्तों, आप अपना जो पोस्ट है वो रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं। इसी के साथ अगर रिजेक्शन की बात करते हैं तो दोस्तों, आपका जो फॉर्म है गलत फिल हुआ या फिर दोस्तों उनकी जो जानकारी है वो गलत हुई, और दोस्तों अगर आपने कोई अनफेयर मींस का यूज किया तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है। इसी के साथ देखिए, अगर एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो टोटल 4 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। पहले पार्ट में जर्नल इंटेलिजेंस, इसके साथ जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंग्लिश और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से रिलेटेड हिसाब से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो है 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे, और टाइम ड्यूरेशन जो है 2 घंटे का रहेगा। आपका पेपर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश यानी बाइलैंगुअल होगा। इसी के साथ यहाँ पर आपका सिलेबस भी दिया हुआ है, जर्नल इंटेलिजेंस का, जर्नल अवेयरनेस का, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जर्नल इंग्लिश का जो है यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। आप आसानी से वीडियो को पॉज करके अपना सिलेबस देख सकते हैं। और दोस्तों, कोविड-19 से रिलेटेड जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है वो आपको फॉलो करनी होगी। तो दोस्तों, ये सभी जानकारी जो है इस वैकेंसी से रिलेटेड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे आने वाले ऐसी जानकारी सबसे पहले मिल जाए। साथ ही दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन लेटर है वो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो एप्लीकेशन लेटर है उसको कैसे फिल करना है, इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना, जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिक्रूटमेंट साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।